आज हमारे साथ आतिफ चौधरी हैं, जो P3 यूनाइटेड के कोच भी हैं और को फाउंडर भी हैं, जिन्होंने ये क्लब 2015 में स्टार्ट किया था। और आज अकेडमीज भी हैं, इनकी टीम भी है, दो कैटेगरीज की इनकी टीम है, अंडर 16, अंडर 19। और आज इनसे पूछते हैं इनका कैरियर और इस क्लब की शुरुआत कैसी हुई थी, और ये आज कहाँ पे हैं, और कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इनको इनके कैरियर में। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें, फिर उसके बाद लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू। ठीक है, तो वो जो है कह लें कि PWD से हमने स्टार्टअप लिया था, हमने उधर एक टूर्नामेंट खेला, तो वहाँ थोड़ा आइडिया हो गया कि यार हम कुदरती और बस वो हमारी गेम भी कुछ ऐसी थी, कुछ अच्छा खेल गया तो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर लिया। खैर सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए, लेकिन वहाँ थोड़ा आइडिया हो गया, फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हमने खेला थी, उससे पहले हमने कोई फ्रेंडली भी नहीं खेला आज तक, लेकिन वहाँ थोड़ा आइडिया हो गया कि यार बाहर फुटबॉल खेली चाहिए। तो खैर फिर करते करते वहाँ ही फुटबॉल बाहर फिर मैचेस अच्छे शुरू कर दिए। ठीक है, उस टाइम मैं खुद भी खेलता था। फिर कह लें कि बस बच्चे टीम में आते गए और साथ में वो टीम खड़ी कर दी, लेकिन खुद वो कह लें कि एज गुजरती गई तो वो दिल ही भी नहीं किया खेलने का, और साथ कह लें कि उस तरह गेम ना बना पाए बच्चों के चक्कर में, ट्रेनिंग देने के चक्कर में, बच्चों के मैचेज रखवाने के चक्कर में, तो अपनी खुद भी इस तरह गेम नहीं बना पाए। तो अभी आप कह लें हमारे मैचेज होते हैं जराज में होते हैं। ठीक है, जराज आप कह सकते हैं हमारा होम ग्राउंड है, तो वहाँ हमारे मैचेज होते रहते हैं जराज में। और हमारा मेरा मेरी अंडर टीम 18 टीम का प्लेयर है समीर कैसर, उसने अपना एक ग्राउंड बना लिया इधर 8010 वाली साइड पे, 313 एरिना के नाम से। तो अब इंशाल्लाह हमारे वहाँ पे भी ट्रेनिंग सेशन हुआ करेंगे, और ट्रेनिंग जो है मैं इनको बैरियर फेज 3 में भी देता हूँ, और कई बार अगर ट्रेनिंग सेशन हमने लगवाने हो तो जराज में भी लगा रहते हैं। और इंशाल्लाह आगे से जो स्टार्ट हमने कर दी ना, तो वो इंशाल्लाह हमने आगे 313 एरिना 8010 वाली साइड पे कर दी ना। एक शुरू से या एक आदत है कि मुझे जो ना फेम उस तरह नहीं चाहिए, फेम से मुझे मेरा लेन देन नहीं है, फेम से उगड़ नहीं है मेरा। मेरा जो होता है ना, मेरा होता है कि यार जो जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी है, जो मेरे पास हकीकत पड़ी है, मैं उस चीज को सामने लाऊंगा कि यार ये चीज मेरे सामने मेरे पास है और ये मैं आपको प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। जो चीज मेरे पास नहीं होगी ना, वो मैं आपको साफ या उसको अपने सोशल मीडिया पे या अपने किसी पेज पे मैं साफ बताऊंगा कि यार ये चीज अगर कोई है तो वो बाकी होगी। तो आप कह लें कि मुझे इन चीजों से तो उस तरह कोई गर्ज नहीं है कि फेम शेम से, बस वो एक अल्लाह ताला इज्जत इंशाल्लाह देगा, ठीक है वो एक ज्यादा बात है, लेकिन वो फेम शेम का इतना वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर ना ना भी आया तो कोई मसला नहीं, जो मेरा जो बेसिक काम है ये बच्चों के टैलेंट को प्रमोट करना, इंशाल्लाह वो करेंगे, और किसी में अगर टैलेंट नहीं है या किसी की गेम नहीं भी है तो इंशाल्लाह उसको डिवेलप करना है, तो वो इस तरह का कोई चक्कर नहीं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज्यादा इज्जत देंगे तो वो इसका इस तरह कोई। आपको पता तो होगा पिंडी इस्लामाबाद की जो हमारी मशहूर टीम है, उसमें आपको क्या लगता है कौन सी हम बेस्ट टीम है फुटसॉल की? फुटसॉल की अगर आप कहें बेस्ट टीम, तो मैंने जो मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने जो जिस तरह नहीं मैंने देखी है, तो मुझे तो दो तीन ही लगी जो जिनको मैं समझता हूँ। ठीक है, एक ये PWD वाली एक टीम है बॉन्ड ब्रेकर्स, यानी मेरे दोस्त हैं सारे, ठीक है वो जी उसको मैं समझता हूँ काफी अच्छी टीम है, ठीक है बॉन्ड ब्रेकर्स को, और पोपो को मैं समझता हूँ पोपो यानी एक अच्छी टीम है, ठीक है फुटसॉल के लिहाज से भी अच्छी है, लेवेनस साइड भी इनकी अच्छी, तो यही दो तीन ही आती हैं, बाकी भी होती होंगी लेकिन मैं अपने मेरे मुताबिक दो तीन ही आती हैं, बाकियों को मैं शायद उस तरह नहीं समझता। बेस्ट प्लेयर का जो है तो कौन सा फुटसॉल का बेस्ट प्लेयर है पिंडी इस्लामाबाद में? अच्छा अच्छा, ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद जी में जी 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 बेस्ट प्लेयर्स में से अगर देखा जाए तो टैलेंट तो खैर बहुत है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भरा पड़ा हुआ है, हर हर कोई अच्छा है, लेकिन मेरे मुताबिक अगर आप कहें तो मैं अपनी ही टीम का कह सकता हूँ, जो सीधी सी बात है मैं अपनी टीम का कह सकता हूँ, मेरी टीम का एक प्लेयर है अदनेश पाक, या मैं उसका कह सकता हूँ, या मेरी टीम का एक और प्लेयर है तो शेराम खान, मैं अपने ही प्लेयर का कह सकता हूँ, अगर अपनी मुझे टीम में से उनकी ना सिलेक्ट, टीम अपनी का टीम कर। को छोड़ के बाहर की टीम्स का अगर बोला जाए, उनमें आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा प्लेयर है? अच्छा बाहर से अगर प्लेयर की बात करें तो अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए काफी, लेकिन मैंने जो अपने लेवल पे उनको देखा है खेलते हुए, तो काविश सलीम, काविश भाई, उनको मैं जानता हूँ और बिल्कुल उनकी गेम मैंने देखी भी, बहुत अच्छे देखे, बाकी भी देखी लेकिन उनकी गेम का मैं जरा फैन, बाकी अच्छा बच्चे भी हैं आजकल जो उनकी भी गेम का फैन हूँ, बहुत अच्छी गेम है उनकी बच्चों की, काविश ठीक हो गया। अच्छा ये आप भाई ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा ये आपका है फुटसॉल की टीम आप बना रहे हैं, ठीक है,
जो है ये सिर्फ फुटसॉल पे फोकस है या आप लोग फुटबॉल पे भी फोकस कर रहे हैं, या आगे फ्यूचर प्लान हैं आप लोगों के फुटबॉल की तरफ भी आने के इस क्लब के P3 यूनाइटेड के? जी, सॉरी आपकी बात नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आपकी आपका जो आप लोगों का फोकस है वो पी फुटसॉल टीम की तरफ है या आगे फ्यूचर में फुटबॉल की तरफ भी आप लोग आएंगे P3 यूनाइटेड वाले? दानियाल भाई, आप कह रहे हैं कि हमारा फुटसॉल की तरफ उस तरह नहीं है फोकस, लेकिन लेविना साइड वाली साइड पर जाना है और आके इंशाल्लाह इंटरनेशनल, या जितना मैं नहीं प्रमोट करना, जितना मेरे से हुआ मैं कर पाऊंगा, जितनी मैं एफर्ट दे सकता हूँ करूंगा। मेरी लेकिन लेविना साइड की बेसिक वो ज्यादा है कि लेविना साइड ज्यादा लाना है लोगों को। अच्छा, आपके जो टीम है उसमें कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज की आपकी टीम्स आप बना ली हैं आपने P3 यूनाइटेड में? दानियाल भी मेरे हाल से 6-7 हैं, अंडर 7 से शुरू होती है, अंडर 7 है, अंडर 11 है, अंडर 13 है, फिर अंडर 14 आती है, फिर अंडर 16 आ जाती है, फिर अंडर 18 है, फिर आगे एक और टीम है जो अभी मैंने लॉन्च करनी है इंशाल्लाह, तो वो उसका मैं अभी आगे इंशाल्लाह पोस्ट पे डालूंगा और वो भी इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। तकरीबन क्या 5-6 कैटेगरी। अच्छा, तो इन सब की कोचिंग आप ही करते हैं हर कैटेगरी की या डिफरेंट कोचेज भी हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्हम्दुलिल्लाह अकेले रन कर रहा हूँ, सबको मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं यंग प्लेयर्स के लिए, जैसे आपने काविश सलीम को भी देखा है, लेकिन काविश सलीम है ठीक है, ये हमारे सीनियर प्लेयर हो गए हैं अब तो काफी, लेकिन अब जो यंग लड़के हैं या हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, अब दोनों में क्या फर्क है? आप लोग क्या समझते हैं कि फिटनेस जो है रनिंग और ड्रिल्स करने से आती है, या एक प्लेयर को जिम भी जाना चाहिए और वहां जाके भी वो उसको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिम की, वो अच्छा प्लेयर बन सकता है? दानियाल भाई, दो चीजें आती हैं। पहली तो आती है कि गेम के अंदर इट्स ऑल अबाउट पैशन, ठीक है, ये बात सारी पैशन की है। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं, किसी बच्चे को, ठीक है, 50% आप एफर्ट देंगे, 50% अगला खुद वो करेगा, लेकिन अगर अगला नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो उसमें पैशन ही है, तो वो शायद इतना ना कर पाए। बाकी रही बात पिछले प्लेयर से और अभी के प्लेयर से, तो कह लेंगे अभी थोड़ा सा, अभी जो फुटबॉलर है जरा वो थोड़ी सी बैठी हुई है, क्योंकि पिछले जो प्लेयर्स है ना वो जरा प्रॉपर फुटबॉल खेलना जानते थे, टचेज वगैरह, ठीक है, बॉडी शॉडी करना, या कह लें कि छोटी छोटी बात पे फाउल ना मारना। आजकल के जो प्लेयर्स है ना, ठीक है, जो यंगस्टर्स है हमारे, ठीक है, वो छोटी छोटी बात पे फाउल, लेकिन नो डाउट आजकल का टैलेंट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराने प्लेयर को, खैर मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, पुराने ज्यादा अच्छे थे जो भी इतना फुटबॉल नहीं खेलते। जिस तरह बाकी एकेडमीज हैं, पोपो है, स्मर्फ्स है, स्ट्राइकर्स है, जराज की अपनी एकेडमी है, तो इनमें से कौन सी अच्छी एकेडमी है? आपको क्या लगता है कि इनमें से अच्छी एकेडमी कौन सी है? आपकी तो अच्छी ऑलमोस्ट है ही, लेकिन इनमें से कौन सी अच्छी है? दानियाल भाई, मुझे उस तरह अगर आप कहें तो मैं जराज का कहूंगा और पोपो का भी कहूंगा, लेकिन जराज को मैं कहूंगा क्योंकि वहाँ वो काविश पे ट्रेनिंग देते हैं, तो जराज में मैं खुद ट्रेनिंग देता रहा हूँ और देता भी साथ साथ कभी जब मुझे बुलाया जाता है, तो मैं जराज को प्रेफर करूंगा, ठीक है, और पोपो को भी मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि पोपो की एफर्ट को मैं काफी वो अप्रिशिएट करता हूँ, नो डाउट। अच्छा, एक बच्चे को ट्रेनिंग क्यों इतनी जरूरी है? क्योंकि आज का पहले ये होता था कि बच्चे जाते थे डायरेक्ट फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते थे, स्कूल कॉलेजेस में होता है कि भाई गेम पीरियड है तो आप बच्चे ने जाना बस फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दी। आजकल के जो बच्चे हैं वो बेसिकली ट्रेनिंग करते हैं, जाके स्पोर्ट्स गेम्स पीरियड में ट्रेनिंग हो रही है उनकी, या फिर अकेडमीज में ज्वाइन की हुई शाम में, जैसा आपकी अकेडमी होगी बाकी अकेडमीज होगी ज्वाइन होगी करते हैं बच्चे, तो इनके लिए क्यों जरूरी है ये चीज़, इससे क्या फायदा उनको मिलेगा? दानियाल भाई, जरूरी इसलिए कि एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ट्रेंड भी बन चुका है, ठीक है, और दूसरा इसलिए कि जो इन्होंने घर पे बैठ के PS4 वगैरह खेलना, PS5 खेलना, तो उससे बेहतर है जो दूसरी एक्टिविटीज करनी है, तो उससे बेहतर है कि फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे आजकल के बच्चों के लिए तो ज्यादा बेहतरीन है, तो उस लिहाज से मैं मेरे मेरे मुताबिक तो जो है ना वो यही एक चीज आती है, यही 3-4 वजूहत है, और जो बाकी रही कि बच्चा ट्रेनिंग आजकल ज्यादा वो इतनी क्यों लेता है, ठीक है, तो वो उसका वो यही है जो मैंने आपको बताया था कि पैशन की बात है। हम जैसे बंदे हो तो हम जैसे बंदों को भी खुद भी बंदा ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन आजकल के बच्चों में उस तरह वो वाला पैशन नहीं है, बस उनको वो होता है कि यार हमें कोई ट्रेनिंग देने वाला हो और हम करें। बाकी ये आपको भी बेहतर बता होगा कि हमने अगर अपने टाइम में फुटबॉल खेली है, ठीक है, तो ना किसी से ट्रेनिंग ली है, ना किसी से कुछ, जो मिल जाता था, ठीक है, खुद ही सीखना था, खुद ही करना होता था, तो आजकल के बच्चों को उस लिहाज से ना ट्रेनिंग वो लाजमी है और वो जाते हैं फिर लेने। आपको क्या लगता है कि हमारे जो पिंडी इस्लामाबाद की टीम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा ओवररेटेड टीम कौन सी है?
पिंडी इस्लामाबाद में जो टीम है, ओवररेटेड टीम कौन सी है? पिंडी इस्लामाबाद टीम थी या नहीं? एक थी लेकिन अब तो शायद नहीं है मेरे हाथ से। सीएसके को मैं समझता था, अच्छा या अगर आप कह सकते हैं कि ओवररेटेड ये हमारे इधर स्वांग गार्डन साइड की टीम है, मुझे उस टीम का नाम नहीं याद आ रहा है, रिपर्स एफसी शायद मेरे हाथ से, तो अच्छा उसको मैंने खेलते हुए भी देखा, शायद वो है। इन ठीक लोगों है। को मैं इसी समझता और हूँ। इसी लगता है कौन सी अंडररेटेड एकेडमी है, एकेडमीज है, दो के नाम बता दे बस। अंडररेटेड दो का तो नहीं है, एक आध का क्या लें यार, वो फिर बहुत चलें ठीक है, ऊपर हो दो के जाते नाम हैं। बता दे। तो अगर आप एक आध कहेंगे तो मैं किक ऑफ का आपको कह सकता हूँ, किक ऑफ का जो करना जनाब है, आप। ठीक है। एक प्लेयर सेलेक्ट करना है, डिफेंडर्स हैं, ठीक है। अब्दुल्ला हमिद गैरेजन एफसी, अब्दुल्ला शाह टीम 18, तैमूर गैरेजन एफसी, आदिल रिपर्स एफसी, एहसान टीम 18। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना क्या? जी अब्दुल्ला आंखें बंद करके अब्दुल्ला शाह। शाह, ठीक हो गया। इनमें से एक मिडफील्डर सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। हमजा नुसरत, हमजा खान, मामू, आलमगीर, जिब्रान, बोन ब्रेकर वाला हमजा नुसरत, हमजा नुसरत, नो डाउट। ठीक हो गया। अच्छा, P3 में दो कैटेगरीज में मैं फोकस कर रहा हूँ आपकी, एक अंडर 19 में और एक अंडर 16 में, ठीक है। अंडर 19 में सबसे ज्यादा शरीफ प्लेयर और सादा प्लेयर कौन सा है? अंडर 19 में जी यार, अंडर 19 में मेरे साथ बॉयज का जरा शुगल भी है, तो मैं इसलिए शुगल में ही बोल रहा हूँ। तो सबसे सादा एक हमारी टीम का है, स्ट्राइकर है मोहम्मद अब्दुल्ला, वही है एक हमारा है सबसे और सादा अंडर प्लेयर, मैं सिक्सटीन उसको में, समझ। और अंडर 16 में अंडर 16 में सादा प्लेयर मेरी टीम का वाइस कैप्टन है अंडर 16 का, हमाद हालिद, सादा ये बेचारा सा, ठीक वो है। ये दो है। अच्छा, टीम में सबसे ज्यादा गोलियां कौन देता है अंडर 19 में? गोलीबाज है, मास्टरों का अंडर गोलीबाज कह सकते हैं। मास्टरों का उस तरह तो कोई नहीं है गोलीबाज, क्योंकि सीधी बात है मैंने अगलों पे थोड़ी चढ़ाई की भी है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत अगर गोली चले तो दो प्लेयर्स, दो तीन ही आते हैं, एक हरीर आ जाता है, हरीर खान है ठीक है, और एक आप कह लें कि एक वही आता है, या फिर आप कह लें कि दो तीन और हैं, अहमद बिन आरिफ आ गया ठीक है, एक वो हो गया ठीक है, या आप कह लें कि वसीम कियानी, ये दो तीन हैं जरा जो थोड़े गोलीबाज है ठीक। अच्छा, अंडर 16 में आपके पास सबसे ज्यादा जो प्लेयर हैं उनमें से सबसे ज्यादा गोलीबाज प्लेयर कौन सा है? अंडर 16 में अगर कहा जाए तो इस तरह तो कोई भी नहीं है, सब पता है कि थोड़ी सख्ती होगी, करना है तो निकाल देंगे, लेकिन फिर भी कोई हसीब ही है, हसीब हालिद, लेकिन टैलेंटेड और बहुत प्यारा स्ट्राइकर है, बहुत अच्छा टैलेंट है। अच्छा, टीम में लेट कमर कौन है अंडर 19 में, जो हमेशा ट्रेनिंग या मैच पे लेट ही पहुंचता है? अंडर 19 में लेट कमर कौन है? या एक अदन स्ट्राइकर है, या वो कई बार लेट हो जाता है, थोड़ा लेट आता है, जहाँ आप कह लेके शिराम खान, शिराम खान, रजा खान, और ये अदन इसमें, ये तीन है जो मोस्टली लेट ही आते और अंडर 16 में हैं। अंडर 16 में अगर देखा जाए तो अंडर 16 में वैसे लेट आने वाला वो कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि सबको मैंने ही पिक करना था, बैरियर से लेके जाना था, तो सारा स्क्वाड यहाँ से मैं ही ले जाता हूँ, अंडर 16 का ऐसा कोई नहीं, लेकिन अगर फिर भी लेट आता हो तो वो हसीब ही आता है, हसीब वाले बाकी सारे टाइम पर ही होते। ठीक हो गया। अगर आपको मैं बोलूं कि इन एकेडमीज को आप सीक्वेंस दें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपने सीक्वेंस देना है इन टीम्स का। ठीक है, ठीक मिडफील्ड, जराज, स्ट्राइकर्स, किक ऑफ, टोटल फुटबॉल, पोपो, स्मर्फ्स। नंबर 1 में अगर मैं कहूँ तो जराज, नंबर 1 पे नंबर टू में जराज, अगर मैं कहूँ तो, नंबर टू में अगर कहूँ तो पोपो ठीक पोपो, है, नंबर 3 में अगर कहूँ तो मिडफील्ड, और नंबर 4 पे टोटल, ये चार को मैं समझ लूंगा। ठीक है। एक प्लेयर को पिक करना है और मैच पे चले जाना है आपने, ठीक है, अंडर 19 का मैच है, ठीक है। तो इन प्लेयर्स में से आप किस प्लेयर को पिक करोगे और मैच पे चले जाओगे? लेकिन जगह एक बंदे की है, आपने एक बंदे को ही लेकर जाना है, ठीक है।
बाकी का जिस तरह इंतजाम होता है बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा आपने किस प्लेयर को अपने साथ आप लेकर चले जाओगे। वासिक यानी, ठीक, अब्दुल रहमान, ठीक है, या फिर रहीम जंजुआ? अब्दुल रहमान, अब्दुल अब्दुल रहमान, रहमान ठीक होगा। उसकी कोई खास वजह? स्ट्रॉकर, वो डी सेट यानी डिफेंडर, बहुत प्यारा डिफेंडर। ठीक हो गया। टीम में, अंडर 19 की टीम में सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? फिर उस लेवल की वो गेम भी नहीं करता अंदर जाके। आज मैं नंबर ये वन पे तो पूछूंगा, आशिर, ठीक है, आशिर महमूद, आशिर महमूद, ठीक नो है, डाउट आशिर महमूद। ये एक है ऐसा प्लेयर जो बातें करता है लेकिन उतना नहीं। यहाँ एक आशिर महमूद है, या एक सुमरेज खोकर है, या एक कहने के अहमद निजामी, ये तीन बंदे इस तरह के। अंडर 16 में अंडर 16 में अगर कहा जाए तो या मेरे पास एक है हुमैर अनवर है, विकेट नहीं, मुस्का अरसल है, एक वो है, या आप कह लें कि उस्मान मुगल, वो भी जरा उस समय पे पहले जरा हुआ हुआ था कि ये टूर्नामेंट, लेकिन मैच के अंदर वो गेम उस तरह ही था। ठीक ये हो दो गया। हैं। इसको आपने सजेशन देना है, कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, कुछ आपकी टीम के प्लेयर्स हैं, तो आप इनको क्या सजेशन देंगे? ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है काविश। काविश भाई को एज अ प्लेयर सजेशन देना, जी, एज अ प्लेयर। काविश भाई को यही कह सकता हूँ कि यार कम गेम के अंदर ना कम रखो, नहीं हमारा को रोकूंगी, वो कोनिया बहुत मारते हैं और अगले बंदे की अजीब पस्ती तोड़ देते हैं, तो उनको यही कहूंगा कि यार थोड़े कोनिया ना हमारा को रोकेंगे, वो थोड़ी इजी होगी खेलने में, लेकिन हमजा डिफेंस नुसरत, यार उस बंदे का मैंने देखा है कि उनके पास स्किल्स बहुत हैं, लेकिन वो गेम के अंदर सिंपल गेम खेलते, सिंपल प्रॉब्लम। मैं उनको रोकूंगा कि यार जब थोड़ा इजी सीन चल रहा हो, इजी मैच चल रहा हो, जब आपको पता हो गया थोड़ा जीत रहे हो, लीड पर हो, तो एक दो स्किल्स करके थोड़ा वो कर दी, और बता दी करो यार कि मैं अच्छे लेवल पे, थोड़ा हमें भी थोड़ा इंटरटेन करो। ठीक। वासिक यानी आपकी टीम का प्लेयर है? बस ठीक, क्या नहीं, जितनी बातें करते हो उससे थोड़ी बेहतर गेम के अंदर वो थोड़ी परफॉर्मेंस, जितनी बातें करते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ी गेम और डिफेंस को थोड़ा और मेरी जरा थोड़ी सुना करो, मैंने कहना होता ठीक है, मुजम्मिल अहमद। है। जी, मुजम्मिल अहमद को यही कहूंगा कि जितना वो कद है उस लिहाज से इतना थोड़ा हेडर शेडर ज्यादा लिया करो, और बाकी जो ना फिनिशिंग पे थोड़ा सा और फोकस करो, फिनिशिंग अच्छी लेकिन थोड़ा सा राइट लेफ्ट दोनों पे ज्यादा फोकस करो। अंडर 16 में सब मैच विनर प्लेयर्स कौन से हैं? चार प्लेयर्स के नाम बताने हैं आपने, जिन पे आपको बहुत ज्यादा यकीन है। मैच विनर प्लेयर, ठीक जी, अंडर है, सिक्सटीन एक के, ठीक तो हो गया हसीब आदिल, है, एक हो गया हसीब आदिल, फिर दूसरे नंबर पे आप कह ले हमाद हाले, फिर ठीक है, ठीक तीसरे नंबर पर आप कह ले के राफे दुरानी डिफेंडर, ठीक है, नंबर फोर पर आप कह ले के अहमद निजामी, क्या सॉरी बिलाल आलिम, बिलाल आलिम नंबर फोर। है। इसी तरह अंडर 19 के अगर मैच विनर्स प्लेयर्स की बात की जाए तो फर्स्ट फोर पे कौन से प्लेयर्स हैं? दानिश पाक है नंबर वन पर, ठीक है, फिर नंबर टू पर आप कह लें कि उजैर अली है, ठीक है, फिर नंबर थ्री पर आप कह लें कि शेराम खान है, ठीक है, फिर नंबर फोर पर आप कह लें कि नंबर फोर पर अब्दुल रहमान गब्बर डिफेंडर है, ये चार। ठीक है। आपकी एकेडमी जी का जी क्या फ्यूचर है? जिस तरह बाकी एकेडमीज हैं उनके अपने ग्राउंड्स भी हैं, ठीक है, आप अभी किसी के ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके पास अभी एक फैसिलिटी आई है 313 की, रीना की, जो आपके दोस्त की है, और आप लोगों के क्या फ्यूचर जी प्लान्स हैं? आप लोग क्या नया लेकर आएंगे मार्केट में, उससे थोड़ा बता दें। मार्केट में हम लेवन साइड फुटबॉल को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये चीज आ रही है आप क्या, और बाकी अगर रही बात कि हम किसी भी ग्राउंड यूज कर रहे हैं, तो दानियाल भाई मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग जो ना वो लाजमी नहीं है कि इक्विपमेंट सही होती है, ठीक है, लाइक कि फोन वगैरह हो या ये वो चीज, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि यार ईंटों से भी ट्रेनिंग की जा सकती है, कौन सी क्या, ठीक है, बस फुटबॉल होना जरूरी है और आपका होना जरूरी है, ये दो चीजें मेन जरूरी है, और पैशन होना, बाकी मैं इन चीजों को प्रेफर नहीं करता कि टर्फ होना जरूरी है, गोल पोस्ट होना जरूरी है, ये वो फलाना, मैं इन चीजों में प्रेफर करता हूँ, बाकी अलहमदुल्ला बच्चे ट्रेनिंग करते भी हैं अच्छे तरीके से करते हैं।
बाकी रही बात के फ्यूचर प्लान क्या है अकेडमी का, तो कह लें कि बस यहाँ से ही वो प्लेयर डेवलप करने हैं, और जितना मेरे से हो पाया इंशाल्लाह मैंने ट्राई तो फुल करनी है कि थोड़ा मेरी दिल की ख्वाहिश है अगर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकूँ, अगर अल्लाह ने मेरे चाहा तो ले जाऊंगा, बाकी देखें जो खुदा की मर्जी। अच्छा, बाकी जैसा अकेडमीज को ना, पोपो होगी, स्मर्स होगी, ठीक है, इनको स्पॉन्सर मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो बाकियों को कुछ ना कुछ, मतलब उनके अपने ग्राउंड्स हैं, नहीं उनको भी छोटा मोटा स्पॉन्सर मिल जाए, आपको अभी तक कोई स्पॉन्सर मिला है या आप लोग हैं क्या, आके फ्यूचर में आप लोगों के पास भी स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, सब बाकी अकेडमीज के पास आ चुके हैं? दानियाल पे स्पॉन्सर तो मिले हैं, ये नहीं कि नहीं मिले, मिले हैं। आईजैक का भी हमें मिला था, ठीक है, और दो तीन और जगहों से भी स्पॉन्सर आने हैं। ये तो वो टैलेंट है, अभी इंशाल्लाह वो जैसे थोड़ा कोरोना वायरस वाला सीन जरा खत्म होता है तो वो तब भी इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शायद एक स्क्वाड वो लॉन्च करना है, तो स्क्वाड वो लॉन्च करने के लिए मुझे वो थोड़ी चीजें रिक्वायर है, तो जिसमें स्पॉन्सर भी आता, तो स्पॉन्सर से भी बातचीत चल रही है अभी, तो इंशाल्लाह वो स्पॉन्सर जो है वो स्क्वाड के लिए भी होगी और आगे वो टीम के लिए भी होगी, तो दोनों के लिए वो जो है ना स्पॉन्सर भी इंशाल्लाह आगे वो आएगा इंशाल्लाह। और बाकी उससे पहले अगर बात की जाए तो जब हमारी जो कोई न्यू किट्स आती है तो किसी न किसी का नहीं, हर बार जो ना कोई स्पॉन्सर होता ही है, ठीक है। ऐसे ऐसा जो है वो स्पॉन्सर जो ना शर्ट का अगर देखा जाए तो नदीम स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो उनसे हमारा स्पॉन्सर है, उनसे जो ना हमारी जो शर्ट्स है ना, और अगर हम किट उतना आते तो उससे मेरा थोड़ा डिस्काउंट वगैरह ये वो मिल जाता ठीक हो गया, है, या इक्विपमेंट मिल जाएगा फिर आपके। ठीक, थैंक यू सो मच आतिफ, आपने अपना टाइम निकाला और मुझे अपना कीमती कोई वक्त बात नहीं, दिया, ठीक है, और इंशाल्लाह आपका जो क्लब है बहुत ऊपर जाएगा, काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया हुआ आपने, क्योंकि जैसा बाकी एकेडमीज यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह आपका भी कल उन्हीं एकेडमीज में उनका नाम होगा आपके साथ, तो बेस्ट ऑफ लक।